हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल नवीनदा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग। ये क्वेश्चन पेपर आपका डिग्रेस्ट यूनिवर्सिटी का है और अभी जून 2022 में एग्जाम चले हुए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एमडीयू, सीआरएसयू इन यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप बीएड से एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप इन क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन पेपर से आपका कुछ क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये आपका है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आप होता है आपका 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर। इसको हम देखते हैं कैसे ये आया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कंपल्सरी क्वेश्चंस है, और जो पेपर पैटर्न आपका अभी रहने वाला है वो यूनिट वाइज वन क्वेश्चन आपको करने हैं। एनी फाइव वाला क्वेश्चन पैटर्न शायद आपकी बार आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट, परीक्षा आकलन साधन के रूप में क्या है, ये आपको बताना है 4 मार्क्स में। देखिए, ये जो क्वेश्चन आता है ये 4 मार्क्स में ही आता है। नेक्स्ट रेटिंग स्केल, ये भी आपका 4 मार्क्स में पूछा गया है। एग्जाम ऑन डिमांड, ये भी 4 मार्क्स में है। परसेंटाइल रैंक, ये भी आपका 4 मार्क्स में है। ये जो परसेंटाइल रैंक है ये आपका 16 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर परसेंटाइल रैंक पूछा गया है 4 मार्क्स में। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपकी फर्स्ट यूनिट। यूनिट वाइज आपके 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय असेसमेंट, ब्रीफली डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट। आकलन से आपका क्या अभिप्राय है, आकलन के महत्व और इसके सिद्धांत, इसके प्रिंसिपल आपको बताने हैं। ठीक है, 16 मार्क्स में फर्स्ट ही चैप्टर है आपका असेसमेंट का, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट है एनसीएफ, ये भी फर्स्ट यूनिट में से ही आपका, एक्सप्लेन एनसीएफ 2005 विजन्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 की अधिगम मूल्यांकन की दृष्टि के रूप में इसका इसकी व्याख्या करिए, ये आपका पूछा हुआ है 16 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में आपसे पूछा गया है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन पूछा गया है, रचनात्मक संकलात्मक मूल्यांकन, मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन, ये आपसे पूछे गए हैं 88 मार्क्स में। ये दोनों क्वेश्चन 88 मार्क्स में है, टोटल आपका 16 मार्क्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चनेयर एज अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के एक साधन के रूप में प्रश्नावली का कंसेप्ट बताना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है, ये बतानी है आपको 16 मार्क्स में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि बनते हैं 88 मार्क्स में बनते हैं, 4 मार्क्स में बनते हैं, उनको मिलाकर आपका 16 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। एक दो क्वेश्चन है जो कि आपका 16 मार्क्स में बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है सेमेस्टर सिस्टम पूछा गया है, क्रेडिट सिस्टम आपका 4 मार्क्स में पूछ लिया गया था, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम है ये आपका 88 मार्क्स में पूछा गया। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग फॉर क्वालिटेटिव असेसमेंट। देखिए, ये भी 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चंस को मिलाकर आपका 1 क्वेश्चन बनाया गया 16 मार्क्स में। ठीक है, इस तरीके से थर्ड यूनिट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट आपकी न्यूमेरिकल भी है और आपकी थ्योरेटिकल भी है। तो न्यूमेरिकल में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थ्योरेटिकल में कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये आपका क्लास इंटरवल है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, मीन, मीडियन एंड मोड। यहाँ पर एक सीरीज दी गई है आपको और इसी में से आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, और जो तीनों आप निकालोगे तीनों का आंसर आपका सेम रहेगा, तीनों का आंसर आपका सेम रहेगा। अगर आंसर आपका सेम आ रहा है तो आपका क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इसका मीन, मीडियन, मोड आपको निकालना था। लास्ट क्वेश्चन है आपका नाइन्थ क्वेश्चन, ये आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनसीएफ यहाँ पर पूछा गया है।
एनसीएफ पूछा गया है 16 मार्क्स में, ठीक है। एनसीएफ कई बार 4 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है, नहीं तो मोस्टली आपका 16 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थे आपका पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग। अभी जो पेपर हो रहे हैं, इस पेपर से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स अभी बीएड में एग्ज़ाम देने वाले हैं अपना एमडीयू, सीआरएसयू और आईजीयू यूनिवर्सिटी में, या फिर अदर कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है जिसका सिलेबस मैच करता है, तो यहाँ से इन्हीं में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक आप अपने एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू।